प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 6, रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ में रक्त के दो भाग, तरक भाग प्लाज्मा और छोटे छोटे कणों, कई प्रकार के कण, कुछ लाल कुछ सफेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं होता, जिसे प्लेटलेट कहते हैं, के बारे में बताया गया। इस पाठ में अनिल जब अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेके जाता है तो डॉक्टर उसे जांच करके एनीमिया रोग बता देता है और दीदी उसे बताती है कि एनीमिया का निर्माण अस्थि मज्जा में प्रोटीन विटामिन आदि से, यानी हरी सब्जी फल दूध अंडा मांस खाने से होती है। तो फिर वह से एनीमिया की एक खून बनता है और जब इन चीज़ों को हम नहीं खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद उसने दीदी से पूछा कि कोई अन्य कारण भी हो सकता है क्या जिससे एनीमिया रोग होता है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है और दूसरा इस रोग का बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें पूरी सफाई और शुद्धता के साथ खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह धो लें और साफ और शुद्ध पानी पिएं। फिर उन्होंने बताया कि एक अन्य किस्म के कीड़े भी होते हैं जो जमीन के ऊपर सतह पर पाए जाते हैं। इनमें से जो लार्वे निकलते हैं वह हमारे शरीर के त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर अपना घर हमारे शरीर में आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, नंगे पांव इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे इसमें आगे इसके आगे आज हम पढ़ेंगे दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बीमारू प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर दवा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो जाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बीमारियों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमारियों इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसी समस्या में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर
ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसी समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। उस विशेष गुरु के आधार पर रक्त को चार मुख्य भागों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी वक्त रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त का रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। अनिल के इस प्रश्न का उत्तर हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।